Good morning, one and all. On account of celebration of International Yoga Day, today we have with us Ms. Deep Lakshmi Dalal, who is working as yoga trainer in health center. Ma'am has completed her MCOM, B.Ed., D.Ed., and advanced diploma in yoga. Ms. Dalal has worked as external examiner in Yoga Institute across Pune and worked at Jamuna Prabodhini Samshodhan Sanstha as yoga trainer and coordinator. Ms. Deep Lakshmi has also worked as a lecturer in SMET College of Commerce. We welcome you, ma'am. We also have with us Ms. Devyani, who is a certified yoga trainer from Kevalya Dham. Devyani has competed at the state and national level as a runner and swimmer. Furthermore, she has represented India and won international competition in China, Canada, and South America. Can we have a huge round of applause for her? Thank you. On the academic side, Devyani holds a degree in engineering and has worked as a software engineer. We also have with us Ms. Avni Shah, who will be educating us on yoga asanas. Thank you. And we welcome you all. Namaste and good morning, everyone. I'm very happy to be here and enjoy the International Yoga Day with you. Today is the 5th International Yoga Day, and I wish we will enjoy next 1 hour for yoga practice. Actually, everyone, hum sab yoga ka abhyas har roz karte hain. Yoga karmasu kaushalam, is yoga ki vyakhya se hum to har roz jo jo kaam karte hain, agar wo kushalata se karte hain, तो हम योग का अभ्यास करते हैं. इसका मतलब हम हर रोज योग करते हैं, तो आज का ही दिन क्यों. तो योग तो अलग अलग अंगों से भी अभ्यास किया जा सकता है. उसके स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग हैं. मतलब ज्ञान योग है, कर्म योग है, अष्टांग योग है, पतंजलि योग है, स्वर योग है, कुंडलिनी योग है. तो ऐसे विविध स्कूल ऑफ थॉट से योग का अभ्यास किया जा सकता है. तो आज हम अष्टांग योग से योग का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेंगे. अष्टांग योग मतलब उसमें 8 अंग, 8 limbs बताए हैं. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि. यम नियम जो है वो हम खुद के लिए कैसा बर्ताव करें और समाज में रहने के लिए लोगों के साथ हम कैसा बर्ताव करें, इसके बारे में बोलते हैं. उससे हमारे मन की स्ट्रेंथ बढ़ती है. जो बैठक हमें मिलती है उससे योग का अभ्यास करना और आसान हो जाता है. तो यम कौन से है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय या ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह है यम. और नियम कौन से है? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान. ये सब मन की बातें हैं. मन से की जाए तो शरीर भी करता है, और खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए यम नियम बहुत ही आवश्यक है. वैल्यू एजुकेशन के लिए भी यम नियम बहुत आवश्यक है. तो यम नियमों का अगर हम पालन करते हैं शारीरिक लेवल पर, मानसिक लेवल पर, इंटेलेक्चुअल और सोशल स्पिरिचुअल लेवल पर, तो हम आसानी से आगे बढ़ते हुए आसन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर शौच है, क्लिंजिंग हम हर रोज हमारा अंदर से और बाहर से कर रहे हैं, तो आसन करना बहुत आसान हो जाएगा. तो आसन से हमें क्या मिलता है? आसन से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है. हमारे अंदर, शरीर के अंदर, मन के अंदर जो ब्लॉक्स है वो क्लियर होने के लिए आसनों का लाभ मिलता है. अब बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आसन के लाभ अलग है. किसी को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है या कुछ बॉडी एक है या कुछ भी बॉडी लेवल पर
प्रॉब्लम है तो वो रिकवरी होने के लिए एज अ योग थेरेपी भी आसनों का फायदा है। तो आसन से अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ब्लॉक्स क्लियर होना आसान हो जाएगा, तो हमारा शरीर में सत्व गुण जो है वो बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, हल्कापन महसूस होगा, उससे हम रिसीविंग एटीट्यूड में रहेंगे, रिएक्शन मोड में नहीं चले जाएंगे, उससे फायदा मिलेगा। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राण का आयाम, आयाम मीन्स जाना आना। तो अगर हम प्राणायाम से हमारा प्राण कंट्रोल करेंगे तो उससे और एक फायदा है, मन भी कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि प्राण और मन का डायरेक्ट रिलेशन है। हमारा मन अलग अलग अनुभवों के साथ जब जुड़ जाता है तो मन की स्थिति बदल जाती है। कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी बहुत आनंदित होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं, कभी डिप्रेस्ड होते हैं, कभी और एक्साइटेड होते हैं। तो ये जो चेंजेस हमारे मन की वजह से शरीर में और मन में आते हैं, उनको बैलेंस स्टेट में रखने के लिए मन को काबू करना बहुत आवश्यक है। तो प्राण और मन का अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो प्राण को काबू में कर लिया तो अपने आप मन भी काबू में आ जाएगा। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है ताकि आपके मन की स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। पहले यमनियमन से भी बढ़ गई है, आसनों से भी अच्छी हो गई है और प्राणायाम से उस पर हम काबू पा लेते हैं। उससे क्या होगा, उससे हमारी ऐसी स्थिति आएगी जिसको हम धारणा बोलते हैं। धारणा एक स्थिति है मन की, जहां हम अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं, एक ही विषय पर रहना पॉसिबल होने के लिए भी बाकी विषयों को बाजू में छोड़ना आवश्यक होता है। तो हर एक विषय को बाजू में छोड़ने के बजाय अगर एक विषय पे ध्यान दे देंगे तो अपने आप कंसंट्रेशन, फोकस अच्छा होने की वजह से वो धारणा की स्थिति आ जाती है, जिसमें हमें प्राणायाम मदद करता है। अब धारणा आ गई तो धारणा की स्थिति में जब हम बैठ जाते हैं तो कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है कि जो एक विषय हमने चुन लिया है उसमें और हम में कुछ डिफरेंस ही नहीं है। हो सकता है वो ओमकार हो सकता है वो कोई अभ्यास का विषय हो, तो ऐसे लगने लगता है ये विषय और ये व्यक्ति इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। मतलब ये व्यक्ति जब बोलना शुरू करती है तो विषय ही बोलने लगता है। इसका मतलब धारणा की स्थिति ऐसी होती है कि आप वो विषय बन जाते हो। अब विषय अगर ईश्वर का हो तो आप ईश्वर बन जाते हो, तो उसकी जो प्रोसेस है वो अपने आप शुरू होने वाली प्रोसेस है, वो ध्यान की स्थिति है। ध्यान अपने आप हो जाता है, वो कर नहीं सकते, वो स्थिति अपने आप आ जाती है। वो एक्सपीरियंस जब करते हैं हम तो उसका आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता, वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। अब ये जो स्थिति है ना, वो किसी भी योग के अभ्यास से मिलती है। भक्ति मार्ग से भी ये स्थिति प्राप्त हो सकती है, ज्ञान मार्ग से भी ये स्थिति प्राप्त हो सकती है, लेकिन अलग अलग अंग मतलब अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से योग का अभ्यास किया जाए तो कभी कभी हम शरीर को भूल जाते हैं, कभी कभी मन को भूल जाते हैं, तो उनकी शुद्धि भी आवश्यक है। तो उनकी शुद्धि करने के लिए ये अष्टांग योग हमें लाभदायक है। तो कोई भी रास्ता आप चुन लो, फिर भी आसन प्राणायाम अगर उसके साथ आप जुड़ा दोगे तो आपको पता चलेगा वो ध्यान की अवस्था अचीव करने के लिए कोई भी मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कुंडलिनी मार्ग हो, कोई भी रास्ता हो, फिर भी वो उसी स्थिति में रहने के लिए, ध्यान की अवस्था में रहने के लिए आपको आसन और प्राणायाम मदद करेंगे, जिससे आपकी धारणा की स्थिति कंटिन्यूएशन में आपके साथ ही रहेगी। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है आपकी प्रैक्टिस छूट गई तो वापस हम जहाँ पे थे वहां पे आ जाते हैं। जैसे जिम करते हुए आपने जिम छोड़ दिया तो वेट लॉस करना है तो फिर से वेट गेन होता है, वेट करना गेन करना है तो फिर से वेट लॉस होना शुरू हो जाता। मतलब क्या, आपको कंटिन्यूसली वो करना है, क्योंकि क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो योगा का बहुत ज्यादा है।
क्यूमुलेटिव इफेक्ट से ही हम अंतिम स्थिति तक पहुंच सकते हैं। तो उससे हमें जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वही अवस्था एक्चुअली दैट इज आवर ओन स्टेट, दैट इज द एनर्जी, दैट इज द यूनिवर्सल एनर्जी विद इन अस। वो जो ईश्वर शक्ति हमारे अंदर है, उसका एक्सपीरियंस हमने कर लिया, तो उसका एक्सपीरियंस करते 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 एक बार ऐसे पता चलता है कि अरे सामने वाले के शरीर में भी वही एनर्जी है, प्राणियों में भी वही एनर्जी है, नेचर में भी वही एनर्जी है। इसका मतलब वो एनर्जी पूरी पूरे यूनिवर्स में है, तो मेरे अंदर जो है वही सामने वाले के अंदर है, तो गुस्सा क्यों आएगा? नहीं आएगा। ऐसा क्यों लगेगा कि जेलसी क्यों होगी? नहीं होगी। लेकिन वो स्टेट बहुत आगे की स्टेट है, वहां तक पहुंचने के लिए ये रिपीटेड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसलिए योग का उद्देश्य जो है समाधि अवस्था या खुद को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, वो स्टेज आती है उस समय वो समत्व का भाव जो है वो अपने आप आ जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए शुरुआत तो होनी चाहिए, इसलिए ये योगा डे का सेलिब्रेशन है। इसलिए आज कुछ आसन प्राणायाम करके हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, ज्यादा देर नहीं है इसलिए उसका अनुभव ज्यादा नहीं ले पाएंगे, लेकिन जितना समय है उसमें हम उसका अनुभव ले लेंगे और कुछ संकल्प भी करेंगे योगा डे के लिए कि हम हर रोज कुछ न कुछ खुद के लिए टाइम देते हुए अभ्यास करेंगे, और योगाभ्यास से ही हमारा जो सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज है वो जल्दी आए इसलिए प्रार्थना करेंगे। ओके, सो आई थिंक नाउ वी विल मूव टू द हॉल, फिफ्थ हॉल फॉर द प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।